हेलो स्टूडेंट्स द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कीमोथेरेपी ऑफ एंटी लिप्रोटिक ड्रग्स स्टूडेंट्स आपको हम लिप्रोटिक ड्रग के बारे में बताएंगे जिसको हम हंसंस डिजीज भी बोलते हैं ये हमारी लेप्रोसी कॉस्ड बाई माइकोबैक्टीरियम लेप्रे हैज बिन कंसिडर्ड इनक्योरेबल सिंस एजेस एंड बियर्स इज सोशल स्टिग्मा it is a gram positive bacteria this disease mainly affect the skin mucous membrane and the nerves leprosy is a curable and treatment in the early stages can prevent disability it is non fatal chronic infectious skin disease the root of transmission nasal droplets contact with the infected soil and even insect vector have been considered skin to skin contact is not important route of transmission स्टूडेंट्स आप ये जान लीजिए कि लेप्रोसी क्या होती है ये कैसे कॉज होती है इनका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो माइको बैक्ट माइको लेप्रे होता है जो ये एज के साथ अगर बहुत ज़्यादा एज में होता है तो उनको हम क्योर नहीं कर सकते हैं ये हमारी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती हैं ये ज़्यादा ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है हमारी स्किन को म्यूकस मेम्ब्रेन को और हमारी नर्व्स को इनको ये इफ़ेक्ट करती हैं लेकिन जो लेप्रोसी होता है अगर उनको हम पहली अर्ली स्टेज में हमें पता चल जाता है तो ये क्योरेबल होती है इनको हम क्योर कर सकते हैं इट इज़ नॉन फर्टल एंड क्रोनिक इन्फेक्श ये बहुत ज़्यादा क्रोनिक और इन्फेक्शियस डिज़ीज़ हो जाती हैं अगर ये एक बार हो जाती हैं तो इनका लॉन्ग इनक्यूबेशन पीरियड फाइव इयर्स से ट्वेंटी ईयर्स तक का होता है ये फिर सही क्योर इनको हम नहीं कर सकते हैं और नेक्स्ट इनका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो आ, किसी पर्सन टू पर्सन के कांटेक्ट में आने से नहीं होता है ठीक है ना स्टूडेंट्स ये हमारे क्या होते हैं कि इनका जो ट्रांसमिशन होता है वो नजल ड्रॉपलेट्स ड्रॉपलेट्स हम जो हमारे हम स्नेजिंग से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उनके कांटेक्ट में आने से या इन्फेक्टेड सॉइल होती है उनके कांटेक्ट में आने से या इंसेक्ट वेक्टर कोई भी कीड़े वगैरह जो काट लेते हैं उनसे भी हमारा ये होता है स्किन में नेक्स्ट स्टूडेंट्स इनको हम क्लासीफाई करते हैं इनको जो क्लासिफाई करते हैं इनको हम इनका नाम देते हैं एस ओ ए पी सोप सोप से कन्फर्म हो जाता है कि एस मतलब सल्फोन ओ मतलब अदर एंटीबायोटिक्स ए मतलब ट्यूबरकुलर ड्रग और पी मतलब फिनाजीन डेरिवेटिव्स और सल्फ सबसे पहला एस में सल्फोन आता है सल्फोन में डैप्सोन यूज़ करते हैं फिनाजीन डेरिवेटिव्स में क्लोफा, क्लोफाजिविन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में रिफॉर्म एंड एथियोनामाइट अदर एंटीबायोटिक्स में ओफ्लक्सिन मॉक्सीफ्लॉक्सिन मिनोसाइटोसाइक्लिन एंड क्लैरिथोमाइसिन नेक्स्ट स्टूडेंट्स इनका मोड ऑफ एक्शन मोड ऑफ एक्शन में हम सबसे पहले डेप्सोन का सल्फोन का मोड ऑफ एक्शन आप देख लीजिए जो ये सल्फोन डैप्सोन इट इज सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट ड्रग इट दिस इज मोस्ट एक्टिव एंड मोस्ट कॉमनली यूज मेम्बर ऑफ दिस क्लास ये हमारी सबसे सिंपल ड्रग होती हैं डेप्सोन सबसे पुरानी ड्रग हैं बहुत ही चीप भी होती हैं और ये मोस्टली बहुत एक्टिव होती हैं इनको हम बहुत ज़्यादा ही प्रेफर किया जाता है इनका मोड ऑफ एक्शन इट हैज़ सम सेम मैकेजम ऑफ एक्शन सल्फोनामेट बाई इन्हीबिटिंग इन कॉरपोरेशन ऑफ पावा इन फोलिक एसिड नेक्स्ट दस इट इन्हीबिट द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल डाईहाइड्रोफोलिक एसिड इनिबेशन ऑफ पावर इन कारपोरेशन ऑफ ऑबलीफोलिक एसिड इन ये हमारी जो ड्रग्स होती हैं स्टूडेंट्स इनका मोड ऑफ एक्शन जो होता है वो सेम सल्फोनामाइड्स की तरह जैसा तरह ही होता है जिसमें भी हमारा जो हमारी पावर होती है ये हमारी फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को नहीं बढ़ने देती हैं और हमारा ये हमारी बैक्टीरिया को की ग्रोथ को रोक देती हैं इनमें भी ये हमारी डाइहाइड्रो टे, टेट्राहाइड्रो फोलेट की सिंथेसिस को बनने से रोक देती हैं यही हमारा सेम मोड ऑफ एक्शन हमारा डैपसून का भी होता है इनका एडवर्स इफेक्ट होता है ये सल्फोन सिंड्रोम हिपैटोटॉक्सीिटी माइल्ड हीमोलाइटिक एनीमिया गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस इसमें नोजिया एनोरेक्सिया, हेडेक पैरारेस्थीसिया एलर्जी रेसिस फोटोसे टॉक्सिसिटी एंड हीपैट्रोटॉक्सीिटी ये क्रिएट करते हैं थेरापेटिक यूजेस लेप्रोसी में यूज़ करते हैं और फैलसी पैरम मलेरिया में यूज़ करते हैं निमोनिया में यूज़ करते हैं और टोक्सोपलाजमोसिस uh, कैटेगरीज में यूज करते हैं एंड नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजिकल डिस अगर हमें को, कोई कोई स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है जैसे एक्ने है डर्मेटाइटिस है स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें भी हम इस ड्रग को यूज़ करते हैं नेक्स्ट हमारी आती है क्लोफाजिमीन क्लोफाजिमीन होती है लेप्रोस्टैटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी कैटेगरी की जो ड्रग होती है लेप्रोस्टैटिक Le, मतलब इनके जो बैक्टीरिया होती है उनको इनहिबिट करने का काम करती है और इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेशन नहीं होने देती इनका मॉडल एक्शन होता है इंटरफेयर विद विद टेम्पलेट फंक्शन ऑफ डी एन ए इन माइक्रोबैक्टेरियम लाइब्रेरी ये इनके इंटरफेयर करते हैं आर एन ए से डी एन ए ही नहीं बनने देते हैं और ये नेक्स्ट ग्रोथ इनकी नहीं होने देते हैं इनका एडवर्स रिएक्शन जो होता है वो होता है रेड इज ब्लैक डिसकलरेशन ऑफ़ स्किन स्किन हमारी डिसकलरेशन हो जाती है उसमें पैचेज हो जाते हैं छोटे छोटे डिस्कलरेशन ऑफ हेयर एंड बॉडी सिक्रेशन ड्राई ड्राइनेस ऑफ स्किन एंड फोटो टॉक्सिसिटी कंजेक्टवाइटिस आँखों में इनके इन्फेक्शन होता हो जाता है शुड बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी एंड लीवर एंड किडनी डिजीज किसी को अगर लीवर की डिजीज़ है किडनी की है या वो प्रेग्नेंट है वूमेन तो उसको हम क्लोफाजिमीन की ड्रग नहीं देते हैं नेक्स्ट इनके इनका जो यूज़ होता है वो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट थेरेपी में इसका हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये हमारी जो होती हैं आप ये जान लीजिए कि हमारी जो एंटी इस कैटेगरी की जो ड्रग होती है एंटी लेप्रोटिक लेप्रोसी में क्या होता है कि ये हमारी स्किन को बहुत ही स्किन में पैचेस हो जाते हैं जहाँ पर जहाँ पर पैचेस होते हैं छोटे छोटे डार्क सर्कल सर्कल्स होते हैं उनमें सेंसेशन फिर ये ख़त्म कर देते हैं और नर्स के हमारे ठीक कर देते हैं नर्व हमारी ठीक हो जाती है तो वहाँ पर हमारे वर्क नहीं हो पाता है और सेंसरी लॉस हो जाता है इन हमारा इसमें हमारे ऊन्स भी हो सकते हैं अल्सर भी हो सकता है डिफॉर्मिटी भी हो सकती है हमारे हाथ पैर बेंड हो सकते हैं और हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है उनको भी बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट है, करते हैं ये हमारे लेप्रोजी होते हैं ओके स्टूडेंट्स थैंक यू